जीएसटी काउंसिल की शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। बैठक के बाद पांडिचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने बताया कि आम आदमी की रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% और 5% कर दी गई है। नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस की मांग थी कि लग्जरी उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी की दर कम करके 18% और उससे नीचे की जाए। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर फैसला टल गया है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों पर सहमति के बाद आज इसका ऐलान होना था, लेकिन अब यह कल तक के लिए टाल दिया गया है। आज दोपहर 3:30 बजे इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। बता दें कि शुक्रवार को आई जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी सीटों को लेकर राजी हो गयी थी। फिल्म अभिनेता और राजनीतिक दल मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हसन ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि वह 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले अक्टूबर में कमल हसन ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी एमएनएम तमिलनाडु की 20 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मैदान में उतरने का फैसला कर सकती है। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाए सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। माना जा रहा है कि सज्जन कुमार की अपील पर जनवरी माह में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक अलका लांबा और सोमनाथ भारती के इस्तीफे की खबर को अफवाह करार दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिए गए भारत रत्न सम्मान को वापस लेने की मांग संबंधित विधानसभा में पेश कथित प्रस्ताव का विरोध करते हुए शुक्रवार को कहा था कि वह विधायक पद से इस्तीफा देने जा रही है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी ने अलका लांबा से इस्तीफा देने को कहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में शनिवार को भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के आरमपोरा में 6 कुख्यात आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का प्रमुख सुहेला मोहम्मद भी मारा गया है। गजवत उल हिंद आतंकी जाकिर मूसा का संगठन है। वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वहां कटरा स्थित माता वैष्णो के दर्शन को पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को जल्द ही केबल कार की सुविधा मिलने वाली है। माता वैष्णो के भवन से भैरव मंदिर के लिए 25 दिसंबर से केबल कार सुविधा की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आक्रामक तेवर जारी है और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतंत्र बीजेपी को निराश करता है। गोवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले की आलोचना करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि दिमाग में बैठा डर हमला करवाता है। बता दें कि शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय झड़प हो गई जब बीजेपी के कार्यकर्ता राफेल मुद्दे को कांग्रेस नेतृत्व की ओर से बार बार उठाने के विरोध में रैली निकाल रहे थे। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए अमेरिकी संसद से फंड मुहैया नहीं कराए जाने के बाद शनिवार को अमेरिकी सरकार आंशिक रूप से हड़ताल पर चली गई। अब इसके चलते अमेरिका में करीब 8 लाख कर्मचारियों को क्रिसमस से ठीक पहले छुट्टी पर जाना होगा या बिना तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। रात 12 बजे के बाद करीब 1/4 अमेरिकी फेडरल एजेंसियों की फंडिंग रुक गई है। केरल के क्रिकेटर संजू सैमसन ने शनिवार को अपनी प्रेमिका चारुलता से शादी रचाई। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले सैमसन और चारुलता का प्रेम संबंध कॉलेज के दिनों से है। दोनों ने कोवालम में हुए एक छोटे से समारोह में शादी की। रिसेप्शन शनिवार को हुआ। 24 साल के सैमसन ने कहा कि दोनों परिवारों के कुल 30 लोग ही एक छोटे से समारोह में मौजूद थे।